नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं रवि प्रजापति जी, और जो कि आज अपनी सेहत की वाली कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और होलसम टेल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कब से बेसब्र था सर आपसे बात करने के लिए। अच्छा, नहीं नहीं बहुत बढ़िया लगा सर, आपने हमारे साथ कांटेक्ट किया, संपर्क किया और हमसे जुड़े आप। रवि जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। सर मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बीकानेर से हूँ सर, और पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट सर, और पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, बीकानेर का नाम सुना होगा सर आपने। बड़ी प्रसन्नता सर आपसे, बड़ा बेसब्र था, होलसेल टेल से मैं कम से कम पिछले 2 सालों से जुड़ा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं अच्छी बात सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी सर, तो एक्चुअल में मेरी कहानी उस प्रकार से सर, मेरे को सन 2013 में मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुआ था सर। 2013 में मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुआ था और 2016 में डॉक्टर विश्वरूप से मैं जुड़ा था सर। 2016 में अच्छा, विश्वरूप से जुड़ा तो उनका डाइट फॉलोअप किया, तो मेरी मेडिसिन वगैरह मैंने वो पहले ग्लिमी प्राइड मेटफॉर्मिन हुई है डॉक्टर वगैरह ने, उससे पहले मैं एलोपैथी से कनेक्ट रहा 2-3 साल। तो फिर उन्होंने बीआरसी की जो डाइट थी वो फॉलो करने के बाद मेरी मेडिसिन वगैरह छूट गई। अच्छा, तो आपने मेडिसिन आपने वगैरह कितनी देर ली थी आपने वो डाइट? वो मैंने करीब मेडिसिन छोड़ने के कम से कम 3-4 महीने तक, मैं डाइट लेने के बाद मैंने वो मेडिसिन छूट गई थी मेरी। अच्छा। क्योंकि वो मेरी वो अर्ली स्टेज थी, पूरा फॉलो भी नहीं कर पाते थे, 100% उनका फॉलो भी नहीं कर पाता, थोड़ा स्ट्रिक्ट था इस वजह से, और पूरी उतना वो जानकारी भी उतनी नहीं था, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही वो कर पाता था जी। फिर क्योंकि वो थोड़ा सा टफ लगा सर, वो प्रॉपर हमेशा 365 दिन फॉलो नहीं हो पाता था सर, जो डीआईपी डाइट थी वो 365 दिन फॉलो करने में थोड़ी परेशानी होती थी, डेली सब्जी सलाद सब्जी फ्रूट्स वगैरह ये लाना, ये डेली का। फिर मैंने आप मेरे जीवन में अचानक परिवर्तन आया, आपके जो 3 वीडियो डॉक्टर खादर के आपने हिंदी में डब करके होलसेल टेल्स पर दिए जी, तो उससे पूरा जीवन ही बदल गया सर। सर वो करने के बाद मैंने दिमाग में भी जो आपका स्टेपल फूड है बस उसी को तो चेंज करना है भाई, आपको जो लंच डिनर लेते हैं उसमें जो अनाज है उसको ही तो रिप्लेस करना है, बाकी जो आप जो है वो करते रहे। तो फिर मैंने उनका मिक्सअप किया सर, खाने से पहले जैसे वो बताते हैं आपके वजन का 10% सलाद लेना है आपको, रॉ वेजिटेबल लेना है, तो मैंने उसको कम किया और श्रीधान्य जो मिलेट है उसको मैंने ऑर्डर किया, और फिर वो श्रीधान्य मिलेट चालू किया। अच्छा, तो मेरे डायबिटीज लेवल मतलब लेने के वो मैंने शुरू किया था फरवरी 2019 में। तो लेने के 2 महीने में मेरे डायबिटीज भी कंट्रोल हो गई, टेबलेट तो मेरे पहले भी छूट चुकी थी, शरीर में जो अन्य अनेक व्याधियां थी, हाथों पैरों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, पैरों के तलवों में जलन होना। तो नॉर्थ में खादर के वीडियो मैं आपके माध्यम से पहली बार देखा था। अच्छा, तो पहले कई बार देखा था, वो तेलुगु में या वो अपने कन्नड़ भाषा में या इंग्लिश में थे, ज्यादा समझ नहीं आता था, क्योंकि आप जो माध्यम बने सर तो मतलब पूरी दुनिया आपकी शुक्रगुजार रहेगी, पूरा नॉर्थ इंडिया, कि आपने इतना अच्छे तरीके से डॉक्टर खादर को प्रचारित प्रसारित किया सर। नहीं नहीं, इसमें तो सर ऐसा है कि देखिए, यही बोला, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सर उनका, डॉक्टर खादर वल्ली जी का ये 20 साल का रिसर्च है और बहुत ही मतलब अद्भुत जानकारी है ये अनाज के बारे में। ये अनाज हमारे पुरातन अनाज है, लेकिन ये जानकारी साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च करके बाहर लेके आना और लोगों के साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात है। और हमें भी यही हुआ जी, जब हमने 4 साल पहले जब हम इस मिलेट मिशन के साथ जुड़े, हमने भी अपने परिवार में ये अनाज इंट्रोड्यूस किए, तो हमें भी वो दिक्कत अच्छा आई, क्योंकि इनका इनका वो सारी चीजें वो हिंदी हिंदी में इंग्लिश में भी इनकी इनकी नहीं थी। तो फिर जब हमने पहली बार जब इनका इंग्लिश में सुना तब हमारे समझ में आई ये चीज पूरी, और फिर हमने सोचा कि अच्छा इसको अब हम हिंदी में करके बाकी लोगों तक लेके जाते हैं। तो ये अच्छा लगा कि
लोगों ने इसको सुना, उसको अपने जीवन में उतारा और उससे उनको फायदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये जो बताया, ये अपने आप में बहुत बड़ी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको फायदा हुआ, डीआईपी डाइट से फायदा हुआ और इससे आपको एक बैलेंस डाइट मिल गई, डीआईपी प्लस मिलेट आपको करके बैलेंस डाइट मिल गई। ये हाँ बैलेंस डाइट, हाँ सर वही, हाँ वही सर जी जी। तो मैं तो इनसे इतना, मैं आपसे और खादर से, डॉक्टर खादर से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने नॉर्थ इंडिया में मिलेट को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंट ही 10 बीघा जमीन परचेज की है। मिलेट की खेती अपने यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती सर? बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि राजस्थान तो मिलेट के हिसाब से देखा जाए तो जन्मदाता रहा है मिलेट का। मतलब हमारे यहाँ मिलेट के नाम पे देखा जाए तो ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह ये सारी फसलें तो होती आई है। फसलें होती है, बाजरे की फसल तो हम लेते हैं सर, हर साल लेते हैं बाजरे की फसल। तो उन्होंने वो न्यूट्रल, बाजरे को न्यूट्रल मिलेट में शामिल किया, तो सिरिंदर धान्य का भी मतलब अच्छा है। बाजरा तो जो खाता है, आप जुड़े हो, जो रोजाना बाजरा खाता उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो यही चीज है जो राजस्थान में तो ये बहुत आसानी से उग जाएंगे, पानी की इनको जरूरत है नहीं। तो जैसे बाजरा उगाया जाता है वैसे ये पांचों मिलेट भी उग सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की सर, बहुत अच्छी बात है। आप राजस्थान में ये सिरिधान्य मिलेट उगाइए और हम सब लोगों को उपलब्ध करवाइए, अच्छी इससे अच्छी बात और क्या हो। ऐसा अगर कोई नेक काम कर रहा है तो हम चाहेंगे कि उसका भी जानकारी सारे लोगों तक पहुंचे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैंने 2-3 बार उनसे मिलेट वगैरह मंगवाए हैं और मिलेट इतना स्वादिष्ट, मतलब मैं लंच में और डिनर में, और जो उन्होंने डॉक्टर खाद ने अम्बली परहेज वगैरह ये बताया ये कंटिन्यूज करो, बड़ा स्वादिष्ट होता है। अपने राजस्थान में तो राबड़ी वगैरह राजस्थान की बनती है, उसी तरीके का ये बिल्कुल खाली कोई वो उसका खाली इसको भिगो कर यूज करना है, बस खाली डिफरेंस इतना ही है बस। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे बाजरे को बनाते हैं समझ लीजिए वैसे ही बनाना है इसको। तो बाजरे की राब बनाना है हमारी, तो ये तो बहुत फेमस है। हाँ जी जी। तो रवि जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपकी डाइट क्या है? आप सुबह क्या लेते हैं, दोपहर में क्या लेते हैं, शाम में क्या लेते हैं? सुबह थोड़ा सुबह उठते ही सर मैं अपना ब्रश वगैरह करके, जो डॉक्टर ने कसाई बताए गिलोय का, करंज का, तुलसी का, दोब का, पीपल का, ये सारे कसाई मैं 2-2 दिन 3-3 दिन लेता हूँ। और एक्चुअल में ये सारे जो है मैंने सर घर पे ही लगा रखा है सारा, पेड़ पौधे कम से कम 100-150 जो हर्ब्स है मैंने घर पे ही उनको उगा रखा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सीधा अपने लॉन में गया, उनको तोड़ा सुबह सुबह और कसाई उबाला और लिया। ये मेरा फर्स्ट ये होता है सुबह उठते ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद कषाय लेने के बाद आप क्या लेते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, कुछ और लेते हैं? नहीं ब्रेकफास्ट नहीं सर, फिर एक और बता दूं, सही बात, चाय अभी तक नहीं छूट रही है सर, तो चाय है। फिर देसी गाय हम घर पे रखते हैं सर। अच्छा जी जी। प्योर देसी गाय हम घर पे रखते हैं, देसी गाय जो घर पे रखते हैं तो उसका दूध दही उसके गोबर से तो मैं अपनी हर्ब्स वगैरह उनको उगाता हूँ, सब्जियां भी घर पे उगाता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में कुछ और लेते हैं आप, मिलेट वगैरह? ब्रेकफास्ट में नहीं, मैं वो लेके उसके आधा घंटा पौन घंटा का गैप देके मैं अपनी जो नॉर्मल चाय होती है जी बिना चीनी की जी जी। शुगर अच्छा। मैंने शुगर और मैदा ये सफेद नमक इनको बंद कर दिया सर, 2 साल इनको टच भी नहीं करता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसकी जगह गुड़ वगैरह है या मीठे में अगर कोई हो तो ये अपने नेचुरल डेट्स वगैरह है, खजूर वगैरह इनका यूज करता हूँ सर। बहुत बहुत बढ़िया। और लंच में आपका रूटीन क्या रहता है सर? लंच में फिर लंच से पहले मैं सर सलाद लेता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मेरा वेट 70 kg है, उनके हिसाब से 350 ग्राम मेरा सलाद बनता है। अच्छा। तो मैं 350 ग्राम नहीं लेके वो 100-150 ग्राम सलाद लेता हूँ खाली। अच्छा। सलाद खाके जो डॉक्टर खादर का ये परहेज है अम्बली वो एक टम बढ़िया पी के फिर मैं अपना लंच लेता हूँ। लंच में सर मैंने स्टेफल फूड चेंज किया है, मतलब जो लंच डिनर है उसकी जो अनाज है उसको रिप्लेस किया है, गेहूं और चावल की जगह मैंने ये जो सिरिधान्य मिलेट है उनका 2-2 दिन डेली यूज करता हूँ। जिस सिरिधान्य का अम्बली बनाता हूँ उसी सिरिधान्य की रोटी भी उसी दिन मैं रखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया अभी आपको पर 2 दिन उसी अनाज को कंटिन्यू रखना है, तो ये भी मिस्टेक नहीं हो जाए, अम्बली अपन किसी और सिरिधान्य की बनाए और रोटी किसी और सिरिधान्य की बनाए। तो वो मिसेज को घर में घरवाली को बताया है अभी आप ये जो परहेज जिसकी बनाओगे उसी की भी रोटी।
शाम को एक डिनर मैं सर 7 बजे तक ले लेता हूँ। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि हम लोग कई बार अपना डिनर या रात का खाना बहुत लेट तक खाते हैं, तो ये अपने ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी बदलाव है, खासकर अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन से। नहीं, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सर, क्योंकि मैंने कई बार सुना है, डॉक्टर विश्वरूप ने भी बताया है, डॉक्टर और भी कई यूट्यूब पर देखता रहता हूँ, जो फास्टिंग होती है तो मतलब सुबह आपका डिनर से लेके अगले दिन आप मॉर्निंग में फर्स्ट में सॉलिड फूड क्या लेते हैं, उनका जो गैप है वो कम से कम 12 घंटे और मैक्सिमम 16 घंटे आपका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अच्छा काम करता है सर, ये जो चीज है ना, ये सबसे अच्छी काम करती है। तो आपने अगर शाम को 7 बजे डिनर ले लिया तो नॉर्मली सुबह 7 बजे तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में आप अगर अपना लंच सॉलिड टेस्ट अगर 8-9 बजे तक लेते हैं, अपना कोई जो भी सॉलिड नाश्ता वगैरह है, तो एक अपना भी वो 12-13-14 घंटे का अपना भी हो जाता है। उसके बीच में आप दिन में आप कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये जो फास्टिंग का है ये सबसे अच्छा काम करता है सर, तो सारी चीजें इसमें मैनेज होती है। हाँ, नहीं नहीं सही है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा बैलेंस डाइट अपना बना रखा है। आप जल्दी खाना निपटा के रात का डिनर निपटा के आपका फास्टिंग भी हो जाता है, सुबह आप कषायम से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आप अपना रूटीन शुरू करते हैं, सैलेड लेते हैं दोपहर में, उसके बाद आप मिलेट लेते हैं, तो और अनाज वगैरह आपने बताया, स्टेपल फूड वगैरह आपने बदल लिया है, ये बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। आपने आपने एक अपनी ही डीआईपी कस्टम डाइट, डीआईपी और प्लस मिलेट की अपनी ही कस्टम डाइट बना ली है, जो आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये आपके मार्गदर्शन से है, डॉक्टर खादर वाली ने जो हमको दिया है, एक उपहार धरती को ये दिया है, तो इसका बहुत ऋणी है सर, समाज आपका, दुनिया आपकी ऋणी रहेगी भी आप में उसमें शामिल हो, एक मार्गदर्शक के रूप में चाहिए, आपने उसको प्रसारित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया सर। होलसेल टेल्स इतना दुनिया ऋणी रहेगी कि जब भी इनका नाम मिलेट का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा सर। अरे नहीं नहीं सर, नहीं, मैं तो अपने आप को जो पोस्टमैन समझता हूँ, और हमें तो इस चीज की बहुत खुशी है कि हमने तो वीडियो को डब किया और हमें पता नहीं था कि इसका क्या नतीजा होने वाला है, लेकिन इसके जो नतीजे आए हैं वो हमारे लिए खुद के लिए चौंकाने वाले हैं कि लोगों को इतना पता चला और उसके बाद लोगों ने इसको अपना के उसका फायदा उठाया, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। तो मैं तो इसको ये समझूंगा कि हमारा ये जो मिशन था ये कामयाब हो गया है, और ये अच्छी बात है कि अब लोगों ने अपनाना शुरू किया, 1-2 साल लगे इस चीज को, लेकिन लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया इसको, और अब इसीलिए हम ये इस तरह से जैसे अभी आपसे फीडबैक ले रहे हैं, आपकी कहानी सुन रहे हैं, ऐसे ही हम लोग चाह रहे थे कि अब हमें वो रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं, तो हम चाहते थे कि हम कहानी को आगे लेके जाएं, लोगों को दिखाएं कि ये रहा प्रमाण, क्योंकि कई लोग पूछते हैं जरूर जरूर सर, यही होना चाहिए सर। हाँ हाँ सर। ग्लूकोज हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर ये ज्यादा होगा तो ये जहर है और ये आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। सिर्फ 1 ग्राम शुगर आपको 6 महीने पीछे भेज सकती है, जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है। तो 1 ग्राम शुगर आपको इतना बीमार कर सकती है, और मैं जादू पसंद नहीं करता, क्योंकि जादू और चमत्कार कभी कभार ही हो सकते हैं, और यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, और यह मैटर नहीं करता कि कितने लोग हैं, आप लाखों लोगों को लाइन में लगा दीजिए, यह सिद्धांत को अपनाइए और 1 लाख लोगों को ठीक किया जा सकता है अगर उनके पास समय। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा सर जानकर। आपके परिवार में और लोग भी सर मिलेट वगैरह लेते हैं, ये इस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं, या उनके उनके क्या 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 है उनका रूटीन रहता है? मेरे फादर की 82 उम्र है सर। अच्छा, तो उनको भी शुरू किया तो उनको भी डायबिटीज वगैरह था, तो उनका इंसुलिन वगैरह तो बंद हो गया, पर वो गोली भी अभी थोड़ी लेते हैं, एज थोड़ी ज्यादा है उनका, तो हम प्रोटोकॉल के हिसाब से उस हिसाब से उनको मेंटेन कर रहे हैं सर। अच्छा। मैंने अभी शुरू, अभी मेरे को भी साल भर, तो फरवरी 2020 में मैंने चालू किया था, तो साल भर फरवरी 2021 में मेरे को होगा, तो उससे पहले मिराकल जो चेंजेस आए हैं सर, मतलब शरीर में किसी तरह की कोई व्याधि नहीं है आपके, मतलब बिना इन इंग्लिश दवाइयों ने जो बेड़ा गर्क कर रखा है उनसे पीछा छुटाने का एक ही तरीका है, सिर्फ मिलेट। और कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है सर वो, अगर इनको कोई प्रमोट करे उगाए, जैसे मैंने शुरू किया है, मैं खेती करता हूँ, कणक वगैरह होता, तो डॉक्टर ने खादर ने बताया था कि आपको 1 किलो कणक उगाने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए, और वास्तव में सही बात है, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल सर बिल्कुल, ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जो है वो खास है कि पानी तो कम चाहिए ही चाहिए, उसके बाद आपको पेस्टिसाइड भी नहीं चाहिए, उसके बाद आपको कोई खाद वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल खाद से काम चल जाता है, तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और अगर आप इसको सही तरीके से उगाएं तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उसमें हमने खेती मिलेट की खेती पर भी हमने वीडियोस बनाए थे, हमने जो तो उन्होंने भी बताया कि अगर आप सही तरीके से इसको करें तो साल में दो फसल तो बहुत आसानी से ले सकते हैं इसकी, और पैदावार बढ़िया होती है। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा सर जानकर। तो रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से हमारे साथ ये फीडबैक शेयर की और बताया कि कैसे कैसे आपने अपने खाने पीने में बदलाव करके अपने आप को ठीक किया और सही मार्ग चुना, और लोगों के साथ ये जो फीडबैक आप शेयर कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसके अलावा कोई और आप मैसेज रवि जी देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज तो यही है सर, डॉक्टर खादर वाली, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, अशोक जी जो ऑलसम तेल से हैं, दुनिया उनकी शुक्रगुजार रहेगी कि इन्होंने इस तरह का माध्यम एक दुनिया के सामने रखा, सशक्त माध्यम शरीर को स्वस्थ रखने का सर। क्योंकि आजकल के टाइम में सर लोग इंग्लिश दवाई को चक्कर में, इनके चक्कर में बेड़ा गर्क होता जा रहा है दुनिया, मतलब पैसे से भी शरीर से भी सब तरीके से, ये रास्ता अगर अपना लें लोग तो कुछ नहीं, बिल्कुल आपको थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना और कुछ करना ही नहीं, आपको अपना होता जाए, बाकी काम तो अपना मिलेट वगैरह है ये सारा काम करेंगे ही सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो समाज आपका ऋणी रहेगा सर, आप जैसे लोग दुनिया में इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, हम तो खुद, मैं तो अपने आप को वॉलंटियर ही समझता हूँ इस चीज में, हम तो, हमारा तो अपना तो सर ज्ञान क्या है, हमारा तो अपना एक्सपीरियंस है खुद का, तो आपका अपना एक्सपीरियंस, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग इस चैन से जुड़े हैं, आप भी जुड़ गए इस चैन से, तो बहुत अच्छा लगा जानकर सर। तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आपने समय दिया। अच्छा रवि जी, तो आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद सर, नमस्कार।